Assalamualaikum. Hello class 4th student. I am your math teacher Miss Samina. Take out your math book, new countdown book 4. Okay. And take out your assignment number 4. Okay. Open your page number 7. Question number 14 is arrange the given number in descending order. Okay student. आपको एक्सप्लेन करना, आई हैव एक्सप्लेन ओनली डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बिगर टू स्मॉलर. लेकिन मैं प्रीवियस क्लास में आपको इन असाइनमेंट नंबर 3 में उसमें बता चुकी हूँ असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. एक दफ़ा रिमाइंड आपको करने के लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलर टू बिगर. स्मॉलर टू बिगर यानी छोटे से बड़े की तरफ. जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ठीक है, स्टेयर जब हम चढ़ेंगे तो 1 पे चढ़ेंगे, पहले स्टेयर 2 पे चढ़ेंगे, 3 पे चढ़ेंगे, 4 पे, 5 पे, ठीक है, सीक्वेंस जा रही है 1, 2, 3, 4, 5, यानी स्मॉलर टू बिगर की तरफ. अब हम आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन हमारा क्या है कि अरेंज करना है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बिगर टू स्मॉलर, यानी बड़े से छोटे की तरफ चलना. तो अब जब स्टेयर्स हम वापस उतरेंगे, जैसे हम 5 पर थे तो 5 से हम क्या हो जाएंगे? फिर 4 पर आ जाएंगे, फिर नीचे उतर रहे फिर 3 पर आ जाएंगे, फिर 2 पर आ जाएंगे, फिर 1 पर आ जाएंगे. तो हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू. ओके, 100,000 के फौरन बाद मिलियन एंड 10 मिलियन, ठीक है. नाउ सेकंड पे अदर आप क्या करेंगे? राइट डाउन प्लेस वैल्यू, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000 and 10. Then other third वाले पे भी write down place value, unit, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000 and 10. These numbers are same in 10 million. 69 million first दो three two digit देखें 69 million. Second number भी 69 million. थर्ड नंबर भी 69 मिलियन. द डिफरेंस बिटवीन 69 मिलियन के बाद यहाँ पर आ रहा है 200,000, जबकि यहाँ पर देन आ रहा है सेकेंड नंबर 600,000. वहाँ आ रहा है आपका 0,000, यानी जीरो है ही नहीं. तो आपको सबसे पहले 69 सेम हो गया, तो आपको थर्ड नंबर देखना है. थर्ड नंबर यहाँ पर क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है. 200,000 यहाँ हो गया 600,000. तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है. डिसेंडिंग का ऑर्डर क्या होता है? बड़ा नंबर, बिगर नंबर. तो कौन सा हमारा बिगर हो गया? सेकंड वाला, क्योंकि ये आ गया 600,000. देन दूसरा नंबर हमारा कौन सा हो गया? सेकंड नंबर, ठीक है. 2 आ गया 200,000, और यहाँ पे कोई 100,000 है ही नहीं. थर्ड नंबर हमारा, ठीक है. तो हम सीक्वेंस में वैसे ही लिखते हैं, जैसे मैंने नंबर डाल दिया है. क्या नंबर डाला मैंने? 69, ठीक है. 69 मिलियन, 645,823. ओके, सेकेंड आंसर इज 69 मिलियन सेम, बट डिफरेंस क्या हो गया? 200,000. 245,823. एंड थर्ड नंबर इज 69 मिलियन, 100 है ही नहीं, जीरो की कोई वैल्यू नहीं, 100 था. 45 आ गया सिर्फ 100, ठीक है. 45,000 इसमें 100 नहीं है, और 823, 45,823 ये हमारा हो गया कौन सा? फर्स्ट. अब देन अगेन वही राइट डाउन इन प्लेस वैल्यू, सेकंड डिजिट पे आप करेंगे, यूनिट, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000. 100,000 हो गए, 100,000 के बाद मिलियन और 10 मिलियन, ठीक है. 10 मिलियन हो गया. देन अदर राइट डाउन इन प्लेस वैल्यू, यूनिट, 10,
100,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, or 10. थर्ड में भी राइट डाउन केस वैल्यू यूनिट 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, or 10. अब ये तीनों नंबर जो है वो 10, 10 मिलियन के, ठीक है, 10 मिलियन सेम फर्स्ट वाला, 10 मिलियन सेम फर्स्ट वाला, देन अदर भी 10 मिलियन सेम, वन वाला देखिए यहाँ भी 100,000, यहाँ भी सेम 100,000 सेकेंड नंबर, यहाँ भी थर्ड में 100,000 सेम सेम नंबर, जबकि यहाँ आ रहा है 53,000, ठीक है, यहाँ आ रहा है 33,000, जबकि यहाँ आ रहा है 43,000. 10 मिलियन और 100,000 सेम है तीनों के, लेकिन 53,000 में डिफरेंस है, यहाँ 53,000 है, यहाँ 33,000 है, थर्ड वाले में 43,000. नंबर बिगर नंबर कौन सा हो गया, विच नंबर इज बिगर, 53,000 फर्स्ट, ठीक है. फिर लास्ट वाला नंबर कौन हो गया, 43,000 टू लिख लिया. फिर थर्ड वाला सेकंड नंबर थर्ड 33,000. अब आप सीक्वेंस में लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्या लिखेंगे आप इसी तरह से, 1,10,153,250. अब कौन सा आपका सेकंड नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 10 मिलियन, वही 100 सेम है 100,000, 43 का डिफरेंस है, 43 यानी 43,250. एंड लास्ट नंबर इज 10,133,000, ठीक है, 1,250. ओके, नंबर जो है वो क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया, फिर सेकंड, उसके बाद smaller 43. Okay, now student, ascending order is done. From page number 7, question number 40, exercise 1A. Okay, now dear student, again open your page number 9. Okay, question number 4. Question number 4 is add the following. यानी plus करना. ओके स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म क्या होता है. हॉरिजॉन्टल फॉर्म बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, यानी यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म हो जाए, ठीक है, ये कहती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, ठीक है. आपको एडिशन करना है यानी प्लस करना है, किस पे, हॉरिजॉन्टल. ओके डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपको एडिशन जो करनी है, यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू डाली हुई नहीं है, ठीक है. मैं आपको इजी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए प्लेस वैल्यू डाल देती हूँ, ताकि जब आप एडिशन करें तो आपको आसानी हो जाए, ठीक है. आप डाल लीजिए छोटा सा यूनिट 10, 100, 1,000 और 10,000, ठीक है. अब 6 और 7 को प्लस करें, आप कहाँ पे डालेंगे प्लेस वैल्यू, कैसे आपने डाला. ओके, राइट डाउन करेंगे आप प्लेस वैल्यू, राइट डाउन करेंगे यानी यूनिट आप राइट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, फिर आप राइट से करेंगे और प्लस भी आप राइट ही से करेंगे, ठीक है, यानी यूनिट से करेंगे. 6 और 7 को प्लस करिए, 6 और 7 को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्लास बड़ी हो गई ना बेटा, 4th क्लास में आ गए, अब आपको तो प्लस करना फिंगर पे भी आता है, तो लेकिन एक बता देती हूँ मैं कितना 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को प्लस करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है. क्या कर लिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये क्या हो गए, 13 हो गए. तो 13 का देखिए, अब ये जो अब 13 में यूनिट और 10 दो नंबर आ रहे हैं ना, वन है थ्री, टू डिजिट आ रहे हैं, यूनिट और 10, जो यूनिट है ना 3 वो आप नीचे लिखते हैं और जो 10 है ना 1 वो आप क्या लिखते थे, ठीक है, बराबर वाले नंबर, ठीक. अब आ गए 4 और 1, 5 और ये 6, इसमें तो कोई कैरी नहीं है, 6 आपने सिंपल वैसे ही लिख लिया, ठीक. 8 के नीचे 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 8 आपने वैसे ही लिख लिया. 5 और 3 को प्लस करेंगे, 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8, 8 भी आपने वैसे ही लिख लिया, कोई कैरी नहीं देना. 4 और 3 को प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 7, ये आपने वैसे ही. तो दिस आंसर इज 7, 8, 8, 6, 3. ओके नाउ अब हम बी पर आ जाते हैं. बी पे वही, अगर आप प्लेस वैल्यू डालना चाहें तो डाल लें, वरना ना डालें तो आपकी अपनी
सॉइल से, मैं डाल के दिखा देती हूँ आपको, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000, ठीक है, ये क्या हो गया यूनिट 10, 100। ओके नाउ स्टूडेंट, अभी हमने डाल ली, अब 5 के नीचे 0 है तो 0 की कोई वैल्यू तो होती नहीं, तो 5 हमने वैसे ही सेम लिख दिया। 6 के नीचे 3 है, ठीक है, 6 और 3 को प्लस करेंगे 9, ठीक, 8 और 5 को प्लस करिए क्या हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 13। 13 का तो अब वही हो गया, 13 हो गया, 13 टू डिजिट है तो आपने यूनिट 10 डाला, जो यूनिट वाला नंबर है ना 3 वो आप नीचे लिख देंगे, जो 10 वाला उससे पहले नंबर है ना 10 जो आ रहा है 1 वो आपने क्या लिख दिया, ठीक। अब दोबारा अगेन आप 9 को प्लस करें, 9 और 1 10 और 13 हो गया, 13 का आपने वही 13 का अगेन 3 यूनिट में आ गया नीचे लिख दिया, 10 जो आ गया आपने उसको कैरी दे दिया, ठीक। फिर क्या हो गया 6, 5, 11 और 12 में भी देखिए यूनिट और 10, यू जो है आपने नीचे लिख दिया 2 और जो 10 है आपने ऊपर कैरी दे दिया 1 7 के ऊपर, 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, 8 में 1 प्लस करिए 9, तो दिस आंसर इज 9, 2, 3, 3, 9, 5। दोबारा अगेन आप प्लेस वैल्यू डालिए, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। अब क्या करेंगे 7 और 6 को प्लस करेंगे, कैसे 7 और 6 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, 13 का यही टू डिजिट है तो यूनिट और 10, जो यूनिट वाला नंबर है वो नीचे आ जाएगा और 10 का आ जाएगा ऊपर कैरी आ जाएगा, ठीक। अब 8, 5 और 1 प्लस करिए, 8 और 1, 9 और 9 में 5 प्लस करिए 10, 11, 12, 13, 14। अब 14 का वही यूनिट 10, जो यूनिट का नंबर है 4 वो नीचे आ जाएगा और 10 वाला नंबर 1 वो ऊपर चला जाएगा 100 के। अब 9 और 1, 10, 10 में 3 प्लस करिए क्या हो जाएगा 11, 12, 13, 13 का वही यूनिट और 10 हो गया, यूनिट वाला नंबर आप नीचे आ जाएगा 3, 10 आप 1 को कैरी दे देंगे, ठीक है। अब 5 और 1, 6 और 7 और 8, ये 8 हो गया, 6 और 3 क्या हो जाएगा 7, 8, 9, ठीक है। 4 के नीचे कोई नंबर नहीं है, आप वैसे ही 4 लिख लेंगे, दिस आंसर इज 4, 9, 8, 3, 4, 3। अब हम लास्ट वाले अपने हॉरिजॉन्टल के डी पर आते हैं, वही सेम आप राइट डाउन करें प्लेस वाले, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। अब 6 और 4 को आप प्लस करेंगे, वही टू डिजिट हो गया 10 आ गया प्लस करने से, तो आपने यूनिट लिखा 10 लिख दिया, ठीक है, जो यूनिट वाला 0 है आपने नीचे लिख दिया, 10 आपने ऊपर कैरी दे दिया, ठीक है, 3 के ऊपर 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 4 में 7 प्लस करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे 4 में 7 प्लस, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब वही अगेन 10 और यूनिट दो डिजिट आ गए 11, यूनिट का 1 नीचे आ गया, 10 का 1 ऊपर 100 के ऊपर आ गया, ठीक है, कैरी दे दिया आपने 4 के ऊपर, 4, 1, 5, 6, 7 आपने ये लिख दिया। फिर 9 और 1, 10, फिर वही 10 टू कैरी आ गया, 10 आ गया, दो डिजिट हो गए तो आपको कैरी देना होगा, यूनिट और 10, ठीक है, 0 कहाँ आ जाएगा यूनिट का नीचे और 10 का चला जाएगा 2 के ऊपर, ठीक है। फिर आप 8, 2, 10, 10 और 1, 11 हो गया, फिर 11 का 10 और यूनिट दो डिजिट हो गए, फिर कैरी देना होगा 11, यूनिट का 1 नीचे हो गया और 1 कहाँ हो जाएगा 3 के ऊपर आ गया, ठीक है, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 और 2 प्लस करेंगे 6, तो क्या हो जाएगा 5, 3, 1, 4 और 2 को प्लस करेंगे 6, तो दिस आंसर इज 6, 1, 0, 7, 1, 0। ये आपका इन असाइनमेंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट नंबर 4 का डन है, बट आपकी कॉम बुक का पेज नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1 भी है, आप इसी तरह पेज नंबर आपका ये क्या है, पेज नंबर 9 है, ठीक है, 9 है बुक का पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1 भी इसी तरह सेम राइट डाउन इन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट,
ओपन योर बुक अगेन, ओपन योर पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 5, राइट वर्टिकली एंड एज। ओके स्टूडेंट, अब पहले आपको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हॉरिजेंटली क्या होता है, अब मैं आपको बता रही हूँ वर्टिकली क्या होता है। वर्टिकली जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन में, देखिए ये आंसर दिया हुआ है हॉरिजेंटल में, अब वर्टिकल फॉर्म में करना है, यानी टॉप टू बॉटम की तरफ करना है, ऊपर से नीचे की तरफ करना है। ओके, टॉप टू बॉटम के लिए सबसे पहले आप, ये आपको नंबर्स गिवेन है तो आप इसमें सबसे पहले आप नंबर लिखिए टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे तक, 2, 4, 6, 3, 9, ठीक है। अब सेकेंड वाला नंबर वही, आप यूनिट से स्टार्ट किया करिए, यानी राइट साइड से 1, 5, 2, 0, 1, ठीक है। इसको हम प्लस कर लेंगे, प्लस वही अगर आप प्लेस वैल्यू डालना चाहें तो डाल लें, या आपकी अपनी चॉइस है डाल देते, यूनिट 10, 100, 1000, 10000, ठीक है। अब 9 और 1 अगेन प्लस करना है, 9 और 1 क्या हो जाता है बेटा, 10 होता है, ठीक है। तो 10 क्या हो गया, यूनिट, और 10 जो यूनिट वाला 2 डिजिट हो गया ना, तो यूनिट का नंबर 0 जो है वो हमने नीचे लिख दिया, 10 जो है वो 1 वाला नंबर हम उनको कैरी दे देंगे, ठीक है। अब 3 और 1 को प्लस करिए, 4, प्लस करिए 5, 5 क्या हो जाएगा ये 9, 9 में 2 डिजिट नहीं है तो ये कैरी नहीं होगा, ऐसे ही लिख दिया। 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8, इसमें भी 2 डिजिट नहीं है, इसमें भी 1 डिजिट था, ऐसे ही लिख दिया सही। 4 के नीचे नंबर कोई नहीं है, 0 है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 4 हमने वैसे ही लिख दिया। 2 और 1 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो दिस आंसर इज 3, 4, 8, 9, 0। बी पे हम अगेन लिखेंगे, वही राइट से स्टार्ट करेंगे, मैथ कभी हम इससे लेफ्ट से नहीं स्टार्ट करेंगे। 6, 6, 4 फर्स्ट वाला नंबर हमने राइट डाउन किया, 0, 5 फिर इसी के नीचे आप लिखेंगे, 6 के नीचे 4 फिर 7, 6 के नीचे 7 और 9 के बाद 4 के नीचे 9 और 0 के नीचे 8 और फिर 5। अब फिर हम क्या करेंगे, इसमें राइट डाउन करेंगे प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू राइट डाउन करें, यूनिट 10, 100 ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने की एक्सप्लेन करने की प्लेस वैल्यू डाल, 10, 100, 1000 के और 10000। फिर वही अगेन 6 और 4 क्या हो गया, 2 डिजिट हो गया, 10 आ गया, यूनिट और 10, तो यूनिट वाला नंबर हमने नीचे लिख दिया 0, 10 हमने कैरी दे दिया, ठीक है। 1 का 6 और 1 7 और 7 14, फिर वही अगेन 2 डिजिट हो गया 14, तो यूनिट वाला 4 हमने क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया, 10 हमने इसको कैरी दे दिया, ठीक है। अब वहां पर आ जाएंगे 9 और 1 10 और प्लस कर लेंगे 14, फिर वो 2 डिजिट आ गया, 10 और यूनिट आ गया 2 डिजिट, 14 हो गया, तो 4 यूनिट वाला नंबर हमने नीचे लिख दिया 4, और 10 जो आ रहा है वो हमने उसको बराबर वाले को कैरी दे दिया। फिर अब हम कैरी देने के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। 5 और 1 6, 1 डिजिट है तो ऐसे ही लिख देंगे, 6 आ गया, तो दिस आंसर है 6, 9, 4, 4, 0। ओके ना, और सी वाला करें बेटा, कोई राइट से स्टार्ट करें, 4, 5, 1, 6, 1, 2, अब ये सेकेंड नंबर लिखिए, 4 के नीचे 9, 5 के नीचे 0, 1 के नीचे 3, 6 के नीचे 8, 1 के नीचे 5 और 2 के नीचे प्लस करके, ओके। 9 और 4 को प्लस करेंगे बेटा, वही आप प्लेस वैल्यू राइट डाउन कर लें, यूनिट 10, 100, 1000, 10000, 100000, ठीक है। अब 9 और 4 को प्लस करिए, 10, 11, 12, 13, वही 2 डिजिट आ गया 13, यूनिट और 10, जो यूनिट वाला नंबर है 3 वो आप नीचे लिख लेंगे, 10 आप ऊपर कैरी दे देंगे। 5 और 1 6 हो जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम ऐसे 6 लिख लेंगे। 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, कोई कैरी नहीं दे रहा, एक ही डिजिट है। 8 और 6 क्या हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2 डिजिट आ गया, ठीक है। तो आप 14 हो गया, तो यूनिट और 10 हो गया, जो यूनिट वाला नंबर है 4 आपने नीचे लिख दिया, 10 वाला नंबर आपने बराबर को कैरी दे दिया। अब प्लस कर लिए ये वाला, 5, 1, 6 और 1, 7 हो गया, ठीक है, और 2 और 1, 3 हो गया, तो दिस आंसर इज 3, 7, 4, 4, 6, 3। अब लास्ट वन इज डी, डी में कितने डिजिट है, कितने नंबर है, 3 नंबर, 1, 2, 3, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट वाले को आप लिखिएगा, पहले 8, 3, 8, 4, 1,
फिर सेकंड इसी तरह स्टार्ट करिए, वन, एट के नीचे वन, फिर थ्री के नीचे जीरो, फिर फाइव, एट के नीचे, फिर फोर के नीचे नाइन, फिर अगेन फोर, और फिर ये टू, ये आगे तक आपके डिजिट ज्यादा है। कितने हैं? थ्री, थ्री सिक्स है या फाइव है। अब लास्ट वाले में भी स्टार्ट इसी तरह करिए, थ्री थ्री, ठीक है, नाइन से स्टार्ट कर रहे हैं सिक्स, फिर क्या कर रहे हैं एट, नाइन के नीचे एट हो गया, फोर के नीचे जीरो और टू के नीचे वन। अब इसको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे, फिर वही अगेन हम प्लेस वैल्यू डालेंगे, यूनिट, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड, ठीक है। अब एट और वन क्या हो गया प्लस करने से, नाइन, नाइन में प्लस करिए थ्री, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, फिर वही टू डिजिट आ गया, यूनिट और टेन, तो यूनिट वाला नंबर हमने नीचे टू लिख दिया और टेन वाला नंबर वन ऊपर कैरी किया, ठीक है। फिर थ्री और थ्री सिक्स हो गया, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, और वन, थ्री और थ्री सिक्स हो गया और वन क्या हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, ठीक है, ये सेवन लिख दिया। अब ये थ्री नंबर है, एट और फाइव को प्लस करिए, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, थर्टीन में सिक्स प्लस करिए, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन, नाइनटीन में टू डिजिट आ गया, यूनिट और टेन, जो यूनिट वाला नंबर नाइन है वो नीचे लिख दिया और टेन वाला वन ऊपर कैरी दे दिया, किसके ऊपर कैरी दे दिया, फोर के ऊपर कैरी दे दिया। अब क्या हो जाएगा, नाइन और वन टेन, ठीक है, और प्लस फोर्टीन, फोर्टीन में एट प्लस करिए, फोर्टीन में एट प्लस करिए, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टी का भी टू डिजिट हो गया, टेन और यूनिट, यूनिट और टेन, तो टू यूनिट वाला टू आपने नीचे लिख दिया और टेन वाला टू आपने ऊपर कैरी छोटा सा लिख दिया। अब फोर और वन फाइव हो गया, सिक्स सेवन, अब जीरो की कोई वैल्यू, तो सेवन ए वन ही डिजिट आपने सेम वैसे ही लिख दिया, टू और वन थ्री हो गया, वन ही डिजिट आपने सेम वैसे ही लिख दिया, तो दिस आंसर इज थ्री सेवन टू नाइन सेवन टू। ये हमारा वर्टिकल फॉर्म कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, ये आपका थ्री क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर इन असाइनमेंट नंबर फोर में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म और वर्टिकल फॉर्म में एडिशन है, ये हमारा डन हो गया। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, एनी कन्फ्यूजन सो कम इन स्कूल एंड कॉन्टेक्ट विद मी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।